थोड़ा सा आगे हो जाएगा, हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, थोड़ा बड़ा कर ले। हाँ अब आ बस, अब उसको ग्रैब कर बस, ठीक है पानी कर लो उसमें। पहले उसके हैंड को हैंड रिलीज करो। ये बायोगैस प्लांट आप सभी जानते क्या होता है, बायोगैस टोटली गोबर गैस के ऊपर डिपेंड है। इस गोबर गैस का सप्लाई हमने घर के अंदर किचन में दिया है, जिससे आप खाना बनाएंगे गैस इसीलिए वेस्ट करते हैं। इसके बाद ये लेटिन, लेटिन का वेस्ट वेस्ट जो बड़ी सिटीज है, बॉम्बे वगैरह, दिल्ली जैसी, इन सिटीज में इनको ब्रॉड लेवल पर इकट्ठा किया जाता है इस मल को, और उसके बाद इन्हें इकट्ठा करके सेम बायोगैस प्लांट की तरह इनका यूज़ किया जाता है घर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। देन यहाँ पर हमने बाउंड्री बनाई है गैलरीज जो आपके छत के ऊपर होती है रेन वाटर को स्टोरेज करने के लिए। देन इस रोल का रेन को वाटर को आप बिल में स्टोरेज कर सकते हो। इन फर्दर कभी भी आप इसको इस टैंक में यूज़ कर सकते हैं, लेटरिन बायोगैस में यूज़ कर सकते हैं, और घर के जनरल थोड़ा इस्तेमाल कर ही सकते हैं। और आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछना चाहो, कुछ कुछ भी। थैंक यू। सामने पड़ा है इसके थ्रू हम घर में से निकलने वाला जो फूड वेस्ट होता है ऑर्गेनिक वेस्ट, इस ऑर्गेनिक वेस्ट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इसका सिंपल सा फंक्शन होता है, घर से जो फूड वेस्ट निकलता है उसे एक स्टोरेज टैंक में स्टोरेज किया जाता है। इस स्टोरेज टैंक के दो पोर्शन होते हैं, फर्स्ट पोर्शन एंड सेकेंड पोर्शन। फर्स्ट पोर्शन में ये सब महिला ऑर्गेनिक वेस्ट डालती है, और सेकेंड पोर्शन में वाटर होता है। इसे हम दो इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करते हैं, और इन इलेक्ट्रोड को हम वायरिंग से कनेक्ट करते हैं, और इसका वायरिंग से हम घर में सप्लाई देते हैं। जब भी इनमें से इस ऑर्गेनिक वेस्ट के कारण इनमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और एक गैस निकलेगी जिसके थ्रू ये इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और घर में ये बल्ब चलेगा। देन सेकंड पोर्शन है गोबर गैस प्लांट। गोबर गैस प्लांट के गांवों में काफी क्वांटिटी में वेस्ट निकलता है, तो उस गोबर गैस प्लांट को हमने कनेक्ट किया है एक नली से, उसका सीधा कनेक्शन दिया है किचन में, गैस यूज कर सकते हैं और खाना पका सकते हैं। देन थर्ड पोर्शन है लेटिन वेस्ट। ये बड़ी सिटीज में बहुत बड़े ब्रॉड लेवल पर उपयोग में आता है, गाँव सिटीज में निकलने वाला मल, उस मल के जरिए इस मल को स्टोरेज किया जाता है, और इसे गोबर गैस के थ्रू यूज किया जैसे ही यूज किया जा सकता है, और घर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। फोर्थ पोर्शन है इसका ये गैलरीज, जो आपकी छत पर नॉर्मल गैलरीज होती है जहां आप घूमने का काम करते हैं, ये बहुत बड़े लेवल पर रेन वाटर को स्टोरेज कर सकती है। इस स्टोरेज को हमने सप्लाई दिया है एक वेल में, ये वेल का पानी आप स्टोरेज के स्टोरेज रहता है आपके पास, आप जब चाहे इसका यूज कर सकते हैं, घर में यूज कर सकते हैं, इस पोर्शन में यूज कर सकते हैं, इसका बायोगैस प्लांट में यूज कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के साथ आप इसमें से जो गोबर निकलता है वेस्ट, उसे फिर फर्दर फर्टिलाइजर के तौर पर खेतों में इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि जमीन के लिए बहुत अच्छा होता है। थैंक यू सो मच। आपका कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड आप पूछ, कुछ पूछना है? पानी जो गंदा होता है ना उसको अपन साफ करते हैं, इसको घर पे ही बना सकते हैं। इसमें क्या रहता है, अपन नीचे एक लेयर पत्थर की डालते हैं, उसके ऊपर छोटे वाले पत्थर डालते हैं, फिर उसके ऊपर कार्बन डालते हैं, और फिर रेत डालते हैं। इसमें से जब अपन पानी डालते हैं, पानी कितना भी गंदा हो वो साफ हो जाता है। तो अपन इसको घर पे भी यूज कर सकते हैं, अगर गंदा पानी आता है तो अपन उसको पीने के लिए, उसमें पानी डालो, पानी जो निकलेगा उससे अपन पीने के लिए। हाँ, इसमें अपन ये फिल्टर रहता है, इसको अपन बनाते रेत से, पत्थर से,
उसको पहले सबसे नीचे पत्थर रखते हैं, उसके ऊपर छोटे पत्थर रखते हैं और फिर रेत डालते हैं। अब इसमें अगर अपन पानी डालें, जो पानी निकलता है वो एकदम साफ पानी होता है, अपन उसको पी सकते हैं। हमारे पास खराब पानी नहीं है ना, साफ पानी है ऑलरेडी। फिल्टर क्या होता है? फिल्टर जिसमें से पानी अपन साफ कर सकते हैं। फिल्टर क्या होता है? पानी साफ कर सकते हैं उसमें से अपन पानी डाल। पानी में कुछ पानी पानी के लिए पानी राइट आ गया बच्चों को समझ में। क्या बात, अरे अरे यार क्या पागल, ये यहाँ पर आएगा और ये 4+3=7 इधर एक पार्ट। अच्छा हमारे दिवा दिवाल की एग्जांपल है इधर, बाकी बचा हुआ इधर सुनो बकवास मत कर ऐसा संग। अरे यार उसके अंदर बॉटल है, अरे बेकर ज्यादा अच्छी नहीं काम कर आस पास में डाल दो रिएक्शन पानी डालो रिएक्शन हो जाएगी। उसमें आपकी कीमत डालना, अभी मत डालो।